साथियों, मैं विद्या मंत्रा टीम की तरफ से आज आपको ये बताना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है 23 जनवरी 2022 को, उसके रेफरेंस में सचिव उत्तर प्रदेश शासन को एक चिट्ठी लिखी गई। और ये देखिए, इसमें उन्होंने लिखा गया है कि 23 जनवरी 2022 को पुनः आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 को सुचितापूर्ण, नकलविहीन एवं शांतपूर्ण ढंग से तथा पारदर्शितापूर्ण निष्पादन कराने हेतु प्रक्रिया में दिशा निर्देश। इससे इस बात की पुष्टि और ज्यादा हो जाती है कि परीक्षा अपने यथा निश्चित दिनांक 23 जनवरी 2022 को होगी, इसलिए अपने पढ़ाई और अपने रिवीजन की स्पीड को तेज कर लें और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से तैयारी करके अपने एग्जाम को सफल बनाएं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, कैसा क्या क्या इंस्ट्रक्शंस सरकार ने जारी किए हैं, जिसके फॉलो करके आप अच्छे तरीके से परीक्षा को कंप्लीट कर पाएंगे। और एक जो उन्होंने घोषणा की थी कि एक जगह से दूसरे जगह आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर में ट्रेवल करने के लिए आपको मुफ्त परिवहन सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम लिमिटेड की जो बसें हैं उसमें आप अपना एडमिट कार्ड शो कर देंगे तो आपको कैसे फ्री होगी और कब से कब तक वो लागू रहेगी, वो मैं आप सारी चीजें बताऊंगा आपको। ठीक है, देखिए इसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है कि ये सारी चीजें आपको दी गया है कि निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 23 जनवरी 2021, ठीक है, 23 जनवरी 2021 को ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। प्राथमिक स्तर की परीक्षा 10 बजे से 12:30 बजे तक और उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर पर परीक्षा 2:30 बजे से 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। देखिए उसके बाद जो ये कह रहे हैं कि इसको नकल विहीन कराए जाने के बारे में बात कर रहे हैं, तो भाई ठीक है, अच्छी बात है। और जो परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा वो डिस्ट्रिक्ट वाइज एक कमेटी बनाई गई है और एक जिलाधिकारी उसका अध्यक्ष होगा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उसके मेंबर होंगे, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो डाइट बोलते हैं उनको वो एक मेंबर होंगे, जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य सचिव होंगे और जिला बेसिक अच्छा शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि परीक्षा आरंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व के उपरांत अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने बोल दिया। परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व के उपरांत निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व के उपरांत परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका मतलब जो परीक्षा हमारी 10 बजे से है उस सेंटर में 9:30 के बाद किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा, और जो परीक्षा हमारी 2:30 बजे से है उसमें 2 बजे के बाद किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट बात हो गई। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है। देखो इसमें और एक बात बोली, परीक्षा की गोपनीयता तथा संवेदनशीलता के दृष्टिगत प्रत्येक परीक्षा केंद्र से 200 गज की परिधि में सीआरपीसी धारा 144 लागू रहेगी। उक्त परीक्षा परिधि में परीक्षा से संबंधित लोगों को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाए। देखिए जहां पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा, जैसे ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, तो इसके 200 गज की जो परिधि होगी उसमें आपकी धारा 144 लागू रहेगी और यहाँ पे सिर्फ परीक्षार्थी और परीक्षा से संबंधित व्यक्ति ही अलाउ रहेंगे। देखिए अगला जो पॉइंट उन्होंने बोला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, परीक्षा को सुचारू रूप से बनाने के लिए परीक्षा प्रत्येक केंद्र प्रवेश के समय प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थियों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। प्रवेश के समय प्रवेश द्वार पर उक्त के साथ ही प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर सचल स्ट्रेटजिक मजिस्ट्रेट पर्यवेक्षक दलों द्वारा परीक्षा केंद्रों का सघन निरीक्षण करते हुए सुनिश्चित कर लिया जाए कि परीक्षा केंद्रों पर इस प्रकार की कोई सामग्री उपलब्ध न हो जिससे कि परीक्षा को शुचिता प्रभावित होने में संभावना उत्पन्न हो। इसके अतिरिक्त परीक्षा कि उन कक्षों पर विशेष ध्यान दिया जाए जो बंद पड़े हो अथवा प्रयोग न किया जाता हो। ठीक है, ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट बात बताई गई। अगली बात जो उन्होंने, ठीक है, आपकी अंकित फोटो से प्रवेश पत्र का पहचान पत्र, ये सारी चीजें तो केंद्र व्यवस्थापक करेगा ही।
और देखिए इन्होंने इंपॉर्टेंट बात क्या बोली है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों के साथ साथ कक्ष निरीक्षक तथा अन्य किसी भी कर्मचारी को मोबाइल, नोटबुक, अन्य कोई यांत्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं है, पाए जाने पर उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही होगी। देखिए साथ साथ इस बार बोला गया कि स्टूडेंट के साथ साथ कक्ष निरीक्षक तथा अन्य किसी कर्मचारी को मोबाइल, नोटबुक या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं, उनकी इवन उनको फोन भी अलाउ नहीं किया गया। परीक्षा केंद्र पर केंद्र व्यवस्थापक, नामित पर्यवेक्षक तथा स्ट्रेटजिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी कैमरा युक्त मोबाइल, स्मार्टफोन ले जाने की अनुमति नहीं है। जो ऑफिसर्स हैं उनको भी स्मार्टफोन ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है। केंद्र व्यवस्थापक, पर्यवेक्षक एवं स्ट्रेटजिक मजिस्ट्रेट परीक्षा केंद्र पर अपने साथ ऐसा मोबाइल फोन ले जा सकते हैं जो सामान्य कीट पैड वाला हो, कैमरा रहित फोन हो और स्मार्टफोन की श्रेणी में ना आता हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है जो अपनी लेटर में उत्तर प्रदेश शासन को ये बात लिखी गई है, ठीक है। किसी को भी अलाउड नहीं है, इवन सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगली बात जो बताई गई है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा हाल के भीतर प्रवेश पत्र, काला बॉयल पॉइंट पेन के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री, कैलकुलेटर, डॉक्यूमेंट, स्लाइडर, रूलर, लॉक टेबल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की सुविधा नहीं दी जाएगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट किया, ठीक है। अब देखिए जो परीक्षार्थियों से संबंधित अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, और इन्होंने बैठक की, ये सारी चीजें तो शासन से संबंधित है, आपके लिए कोई इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि सभी जनपद मुख्यालयों पर परीक्षा तिथि 23 जनवरी 2022 से पूर्व 19/1/2022 से 21/1/2022 रात्रि तक किसी भी समय आवश्यक प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाएं जिलाधिकारी द्वारा नामित सिस्टर मजिस्ट्रेट, जिला विद्यालय निरीक्षक को संयुक्त रूप से प्राप्त करा दी जाएंगी। संबंधित मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं वरिष्ठ कोषाधिकारी का संपूर्ण उत्तरदायित्व होगा कि प्रश्न पत्र कोषागार के डबल लॉक में उपस्थित सुरक्षित रखा जाए, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न पत्र खोले जाने के समय वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, और सिग्नेचर्स होंगे, प्रश्न हस्ताक्षर लिए जाएंगे, ये सारी चीजें तो प्रशासन जो है सुनिश्चित करा रहा है कि परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से की जाए, कोई किसी भी तरीके से वो ना किया जाए, ठीक है। तो ये आपसे संबंधित नहीं है, ये शासन से संबंधित है, तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और अब परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थियों को जो निर्देश है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन में अंकित पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड की मूल प्रति तथा निम्नलिखित में से किसी एक प्रमाण पत्र को साथ लाना अनिवार्य होगा। देखिए क्या लाना अनिवार्य होगा, अपने साथ एक स्पष्ट प्रिंट किया गया एक प्रवेश पत्र होना चाहिए, उसके साथ साथ मूल प्रति चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, आधार कार्ड इत्यादि की जो मूल प्रति है उसको ले जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है, उसके साथ प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाण पत्र अथवा किसी भी सेमेस्टर की निर्गत अंक प्रत की मूल प्रति, ठीक है। अगर आपने बीएड किया है, बीटीसी किया है, तो उसका प्रमाण पत्र ले जाइए, या किसी सेमेस्टर फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट लेके जाइए, वो ज्यादा सही रहेगा। और अगर आप नहीं है आपके पास, तो संबंधित प्रशिक्षण संस्था के रजिस्ट्रार, सक्षम अधिकारी द्वारा इंटरनेट से प्राप्त अंक प्रत की प्रमाणित प्रति ले जानी होगी। ध्यान से देखिए, संबंधित प्रशिक्षण संस्था के रजिस्ट्रार, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है वहां के प्रिंसिपल या रजिस्ट्रार से आप उसके जो रजिस्टर्ड इंटरनेट कॉपी है उसको अटेस्ट करा के ले जाइए। जिन अभ्यर्थियों के पास वैध प्रवेश पत्र, पहचान पत्र के मूल प्रति वन उल्लिखित प्रमाण पत्र नहीं होगा, उन्हें केंद्र अधीक्षक द्वारा किसी भी स्थिति में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये बात आप ध्यान से रखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स आप याद रखिए। मैंने देखा है परीक्षा केंद्रों में कि बहुत सारे लोग परीक्षा के बाहर डिफरेंट डिफरेंट चीजों की वजह से अलाउड नहीं किए जाते हैं, तो मुझे दुख होता है कि भाई ऐसा क्यों, आपने इतनी मेहनत की, अपनी पढ़ाई किया है, आप ऐसा क्यों 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 आप अपने साथ डॉक्यूमेंट नहीं लेके आए। डॉक्यूमेंट जरूर लेके जाइए, एग्जामिनेशन में बैठिए, पेपर आपने इतनी तैयारी किया, आप जरूर से जरूर सफल होंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगला जो पॉइंट्स इन्होंने बताया है कि जो परीक्षा होगी
उसके जो गेट्स होंगे वो 1 घंटे पहले ओपन कर दिए जाएंगे, और परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट समय से 30 मिनट पूर्व के उपरांत परीक्षा केंद्र में किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। तो परीक्षा 10 बजे की अगर तो 9:30 बजे के बाद किसी को उन्नति नहीं मिलेगी। ट्रैफिक जाम, ट्रेन, बस देरी किसी की कारण रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। अभ्यर्थी परीक्षा आरंभ होने के कम 1 घंटे पहले किसी भी दरीक्षा में परीक्षा कक्ष में पहुंच जाएं, ठीक है। और जहां पे आपकी आवंटित सीट है वहीं पे क्या कहते हैं आपको अलॉट किया जाए, वहीं पे आपको बैठना है, ठीक है। ऐसा नहीं करने पे आपको आपका जो कैंडिडेचर है वो परीक्षा में रद्द कर दिया जाएगा। कोई भी अनुचित सामग्री नहीं होनी चाहिए आपके पास, ये सारी चीजें आप। और गर्ल्स कैंडिडेट्स को मैं ये एक चीज बताना चाहूंगा कि वो कोई भी ऑर्नामेंट्स ना पहन के जाएं। देखिए ऑर्नामेंट्स किस तरीके होता है, ना वो झुमका पहन के जाएं, ना इयर रिंग्स पहन के जाएं, नोज पिन ना पहन के जाएं, चूड़ा वगैरह ना पहन के जाएं। अननेसेसरी किसी भी तरीके के क्याओस से आपको दिक्कत ना होनी चाहिए, ठीक है। और इन्होंने क्या लिखा है कि एक चीज इन्होंने क्या लिखी कि केंद्र अधीक्षक संबंधित विशेष अनुमति के बिना क्यों भी अभ्यर्थी तब तक अपनी सीट व परीक्षा कक्ष को नहीं छोड़ेगा जब तक परीक्षा का पूरा समय समाप्त नहीं हो गया हो। अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिका ड्यूटी पर उपस्थित निरीक्षक को सौंपे बिना कक्षा हाल से बाहर नहीं जाएंगे। अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपने साथ एक कार्डबोर्ड अथवा एक क्लिपबोर्ड लेके जाएं जिस पर कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए ताकि परीक्षा कक्ष हाल में उन्हें उपलब्ध कराई गई मेजों की सतह के समतल न होने की स्थिति में अच्छी क्वालिटी के बॉल पॉइंट पेन काले लाने चाहिए। इन्हें परीक्षा नियामक अधिकारी के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। देखिए आपको एक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है और एक प्लेन क्लिपबोर्ड लेके जाना है, ठीक है, और जिससे आपको लिखने में ज्यादा आसानी मिल सके, ठीक है। और आपको ये फालतू की कोई भी चीज नहीं दी जाएगी। 10 मिनट पहले आपको सीलबंद टेस्ट बुकलेट दी जाएगी जिसके भीतर उस रखी होगी। और इसमें क्या एक चीज और लिखी है कि 10 मिनट पहले जब आपको दे दी जाएगी टेस्ट बुकलेट के प्राप्त होने के तुरंत बाद अभ्यर्थी टेस्ट बुकलेट के आवरण पृष्ठ पर अपेक्षित विवरण केवल बाल पॉइंट पॉइंट से भरेंगे। वे तब तक टेस्ट बुकलेट को नहीं खोलेंगे जब तक कि निरीक्षक द्वारा ऐसा करने के लिए नहीं कहा गया है। घोषणा होने से पूर्व उसकी सील को न तोड़े, ठीक है। पेपर के प्रारंभ होने से 5 मिनट पूर्व अभ्यर्थी को टेस्ट बुकलेट को तोड़ने के लिए कहा जाएगा। वो अपना उत्तर पत्रक सावधानी पूर्वक निकालें। अभ्यर्थी को सावधानी से जांच करनी चाहिए कि उत्तर पत्रक पर अंकित टेस्ट बुकलेट कोड सही है। जो टेस्ट बुकलेट पर अंकित है इनमें भिन्नता होने के मामले में अभ्यर्थी को तत्काल ही इसकी सूचना टेस्ट बुकलेट और उत्तर पत्रक को बदलने के लिए परीक्षा निरीक्षक को देनी चाहिए। देखिए जो क्वेश्चन पेपर का कोड है, जैसे ए है क्वेश्चन पेपर का कोड, तो जो आपका आंसर शीट मिलेगी OMR उसका भी कोड क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। अगर दोनों कोड डिफरेंट हैं आप तुरंत आप अपने इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। और इन्होंने एक बात जो बोली है इसका सब लोग ध्यान रखेंगे कि अगर काले बाल पॉइंट पेन से आप नहीं करेंगे किसी और चीज से करेंगे तो आपका इवेल्युएशन नहीं हो गया, ठीक है। और बाकी सारी चीजें सही है और ये सारी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने आपको बताए। अब देखिए इसमें एक चीज बताया गया है कि जो सभी अभ्यर्थियों और प्रतिभागियों को निःशुल्क आवागमन की सुविधा जनपद टू जनपद परिवहन विभाग निगम द्वारा जनपद के अंदर अर्थात सिटी में और नगर विकास विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी। निःशुल्क आवेदन का लाभ प्राप्त करने के लिए समस्त अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है कि वह ऑनलाइन डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र की कुल 5 से 6 प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखें। यात्रा के दौरान परिचालक द्वारा मांगे जाने पर 1 प्रति स्वस्थित करके परिचालक को उपलब्ध कराएं। अभ्यर्थी द्वारा परिचालक को जो प्रति उपलब्ध कराई जाएगी उस पर अप ट्रिप के लिए अप ट्रिप शब्द अंकित करते हुए यात्रा प्रारंभ करने का स्थान एवं गंतव्य स्थान का नाम तथा डाउन ट्रिप के लिए डाउन ट्रिप शब्द अंकित करते हुए वापसी में प्रारंभ करने का स्थान और गंतव्य स्थान का उल्लेख किया जाएगा। निःशुल्क जो सुविधा होगी 23 जनवरी 2022 से 1 दिन पूर्व तथा 1 दिन बाद तक उपलब्ध कराई जाएगी, अर्थात 22 जनवरी 2022, 23 जनवरी 2022, 24 जनवरी 2022 हेतु सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा मान्य होगी। सिटी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दिनांक 22 जनवरी 2022 तथा 23 जनवरी 2022 हेतु मान्य होगी। तो आपको कैसे करना है ये सारी बातें यहाँ पे आपको बता दी गई हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सुनिश्चित करिएगा आप लोग, ठीक है। सभी जो क्षेत्रीय परिवहन परिवहन प्रबंधक हैं उनको बता दिया गया है, ठीक है। और
अन्य व्यवस्थाएं जो दी गई हैं वो सारी चीजें आपके लिए नहीं है। और आज से शासन की वेबसाइट से आज से आपको क्या कहते हैं प्रवेश पत्र डाउनलोड हो जाएंगे। 13 जनवरी 2022 के अपराह्न से निर्धारित आप डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा से सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है। वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, क्या क्या लेके जाना है, कैसे क्या करना है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश शासन का परीक्षा नियामक प्राधिकारी का ये एक विज्ञप्ति है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनको आप लोग ध्यान में रखें।